हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम सेंगर और आप देख रहे हैं भोजपुरी की बातें। और आज हम बात करते हैं एक नया भोजपुरी अपकमिंग स्टार, जो उम्र में तो काफी छोटे हैं लेकिन कारनामे बहुत बड़े बड़े करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। हेलो अली। हाँ सर। मुझे बताइए कि आपका भोजपुरी में कैसे आना हुआ, और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना परिचय दीजिए और बताइए मुझे। देखिए, हम तो काम करने के लिए मुंबई में आए थे, एक होटल में लगे थे काम करने के लिए। होटल में लगे तो एक लोग से मुलाकात हुई, जिनके नाम है एनके मुसबी। उनसे मुलाकात हुई, फिर हम उनसे धीरे धीरे मिलके फिर धीरे धीरे गाना वाना करने लगे। अभी वही गाना वाना करते हैं, हम गरीब इंसान हैं, होटल में काम करते हैं। अब अच्छा, ये बताइए कि आप मुंबई कैसे आए, आपका फैमिली सपोर्ट करते हैं, आप कैसे आए मुंबई, मुंबई आने का बताइए मुझे रीज़न। फैमिली सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो आप फर्स्ट टाइम कब मुंबई आए थे? फर्स्ट टाइम हमको 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। 3 साल से आप मुंबई में कैसे स्ट्रगल किया है, ये हमारे दर्शकों को बताइए, जो मुंबई आना चाहते हैं लेकिन उनका फैमिली सपोर्ट नहीं करता, उनका पैसे नहीं होता। आप इतना मेहनत करते हैं, होटल में काम करके आप काम कर रहे हैं, तो इसका मुझे बताइए, दर्शकों को बताइए इस बारे में। देखिए, हम 3 साल से यहाँ पे हैं, लेकिन अभी ये 1 साल में हमारा ऐसा हुआ है। 1 साल में मैंने 2 सफर, 3 साल का हमारा, जिसमें 1 साल में ऐसा हुआ है हमारा। हमने बहुत दिनों से ये बहुत ट्राई कर रहा है हम, अभी हमारा ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, एक्टिंग के साथ साथ आप सिंगिंग भी करते हैं, तो आप एक सॉन्ग करके सुना के बताइए। गाना जो गा चुके हैं। हाँ हाँ, कोई भी। आई बारात जहिया डोली तोहर जाई, आई बारात जहिया डोली तोहर जाई, कोई से किसहब जुदाई, ओही दिन जना जा हमर जाई ए जान हो, ओही दिन जना जा हमर जाई। चलो, वाह वाह, क्या बात है, अच्छा गाते हैं आप। और अभी आप ये बताइए कि आपने कितना काम कर चुके हों और अभी क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, हमारा गाना 3-4 निकल चुका है, 3-4 गाना निकल चुका है, और वैसे 2-4 वीडियो भी निकल चुका है, वैसे छोटा मोटा वीडियो एक्टिंग का। और अभी आप क्या करने वाले हैं अभी? अभी एक गाना और आने वाला है, नया गाना है, जो अभी उसमें थोड़ा 10-15 दिन टाइम लगेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आप भोजपुरी में आए, किस एक्टर के से इंस्पायर हुए, किस एक्टर को देखते हुए आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, हम आए हैं खेसारी को देख के, खेसारी को हमने फॉलो किया, उसी की तरह गाने के लिए सोचे, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, अभी हल्का फुल्का हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है उसके जैसा। उसी को हम देख के आए, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका पसंदीदा सबसे फेवरेट हीरो और हीरोइन बताइए। हमें वही खेसारी है, काजल है। अच्छा, तो आपको अगर इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो आप करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, हम जरूर करेंगे उनके साथ काम। तो आपको जब फर्स्ट टाइम आप लॉन्च हुए, हीरो बने, और जब सारी मीडिया कैमरा आपके सामने थे, तो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, पहली बार आए थे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा लगा था हमें। तो उस टाइम पे आप वहाँ पे होटल में काम करते थे, तो उन्होंने आपसे क्या बोला, आपके जो सेठ थे वो कितना खुश हुए या गुस्सा हुए, उसके बारे में बताइए। हमारे सेठ तो बहुत खुश हुए, हमारे सेठ तो हमारे बैनर लगा के रखे हैं, पोस्टर लगा के रखे हैं, वो बहुत खुश होते हैं। वही उनसे सिर्फ ये बोलते हैं हम कि हमको कल जाना है, वो बोलते हैं ठीक है जाओ, वो खुद पैसा भी दे देते हैं, 500-600 दे देते हैं कि जाओ तुम करके आओ। वो बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत अच्छे सेठ हैं, हर चीज़ का मदद करते हैं, कहीं भी आना जाना, कहीं भी किसी के पास भी मिलने का रहता है, सिर्फ बोल देता हूँ ठीक है जाओ, बहुत अच्छे सेट है। अच्छा, तो आप शूटिंग करते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे आप हीरो के साथ, हीरोइन के साथ रोमांस करते हैं, उस टाइम आपको क्या फीलिंग आती है, कैसे लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग क्या लगता है। अच्छा, जैसे आप हीरोइन के साथ में रोमांस कर रहे हो, आपको ये डर नहीं लगता कहीं मेरे फैमिली वाले देख लेंगे, कुछ बोलेंगे तो नहीं? नहीं, गाना करते हैं ना, उसके बारे में किस लिए बोलेंगे, गाना कर रहे हैं ना। अली, ये तो हो गई, अभी आपका फैन फॉलोअर का बात करता हूँ, जो आपके फैन है, ऐसी कोई लड़की मिली जो आप पे फिदा हो गई हो कि अली आप तो हीरो हो गए हैं? बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, लेकिन आपसे ऐसा आज तक किसी बोलने हिम्मत की है? बहुत सारे लोग ने बोला हमें, हमसे बहुत सारे लोग ने बोला, कहीं भी जाता हूँ तो बोलते हैं भाई। आप होटल में काम करते हैं, तो उस टाइम पे जैसे कस्टमर वगैरह आते हैं, तो वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, एक वेटर के नज़रिए से या एक एक्टर, एक हीरो के नज़रिए से? एक हीरो के नज़र से देखते हैं सब लोग, कहीं भी जाता हूँ, कल तक तो मुझे कोई पहचानता ही नहीं था,
आज ऐसा दिन आया है कि पूरा महाड़ा, पूरा यूपी बिहार सब कोई जानता है हमको, सब कोई जानता है। एक महीने के बाद फिर हमारा एक गाना आने वाला है। आजकल बहुत हमारे 5,000 तक फॉलो हो गए हैं, बहुत सारे फैन हैं हमारे। तो अली, जहाँ पे तुम काम करते हो, जिस होटल में काम करते हो, उनके बारे में बताइए कि ऐसा कौन महान आदमी है जो एक गांव से आए इंसान को इतना बड़ा स्टार बना दिया। देखिए, हमारा सेठ, हमारा मुंबई में तो कोई नहीं है, हमारा सेठ है जो हमारे माँ बाप हर चीज़ है, उनका नाम है उपिंदर। वो हमारे माँ बाप हर चीज़ है, वो हमारे लिए बहुत मदद करते हैं, हर चीज़ करते हैं। गांव से हम आए हैं, वही हमारे शरीर लिए सब कुछ है। गाना वाना उन्हीं की वजह से करता हूँ, आज उन्हीं की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इतना बड़ा स्टार बना हूँ। अच्छा, तो ये जब आपके सॉन्ग आते हैं तो ये किस कंपनी पे आते हैं, कहाँ पर आपका होता है, बताइए। ये NK म्यूजिक कंपनी में आता है, और उस पे जाके देखिए आप, और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और घंटी भी दबाइए। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच अली। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।